हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियर्स ब्लॉग। क्या गाइस, आप सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच लेकर आपको आपका मन दुखी है क्या? आप परेशान हो रहे हैं कि हम पढ़ रहे हैं पर हमारी जॉब लगेगी नहीं है, नहीं लगेगी? ठीक है, आप मेहनत करते हैं लेकिन सिर्फ एग्जाम के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, उसके अलावा आपको कुछ याद नहीं रहता है। इतनी सारे सब्जेक्ट्स हमारे सिविल इंजीनियरिंग में, सारे के सारे कोर सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। सारे का सारे का जो भी एग्जाम्स रहते हैं सब में बहुत ज़्यादा उसका वेटेज रहता है। सारे का सारे को आपको याद करने के लिए बहुत परेशानी हो रही है, ठीक है। क्या आप इतने सारे फॉर्मूलेज देख कर डर गए हैं सिविल इंजीनियरिंग में कि हम भाई इसको कैसे याद रखेंगे, कैसे हम कॉन्सेप्ट को बनाएंगे, कैसे याद रखेंगे, ठीक है। अगर आपको फ्यूचर की टेंशन है कि हम सिविल इंजीनियरिंग कर तो लेंगे लेकिन उसके बाद हमारा क्या होगा, कि हमारी गवर्नमेंट जॉब लगेगी या हम प्राइवेट सेक्टर पे जाएंगे, हमारा फ्यूचर कहाँ पे बेटर होगा, कहाँ पे हमें जाना चाहिए, ठीक है। तो गाइज ये वीडियो आपके लिए है, आप ये वीडियो पूरा देखते रहिए, एंड तक देखिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक माई वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। तो सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियर ब्लॉग। गाइस आज हम जानेंगे कैरियर इन सिविल इंजीनियरिंग के बारे में, कि हमारे सिविल इंजीनियरिंग में हमारे पास क्या क्या स्कोप है, कितना कैरियर बन सकता है, कहाँ कहाँ बन सकता है, कौन कौन सी कंपनीज हैं, सबके बारे में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो लेट्स स्टार्ट गाइस, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे गवर्नमेंट सेक्टर में कौन कौन से हमारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं या हमारे डिपार्टमेंट्स हैं जो कि हमें एज अ जूनियर इंजीनियर, सिविल सब इंजीनियर, आपका एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की या असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट पे हमें रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हो गया, जल बोर्ड हो गया, उसके बाद DDA हो गया, आपका न्यू दिल्ली कॉरपोरेशन, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, मेट्रो रेल, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जिसको हम NHAI के नाम पे जानते हैं, ठीक है। तो ये सारे ऑर्गेनाइजेशन आपको एज अ सिविल इंजीनियर आपको यहाँ पे वैकेंसी निकालते हैं और आप अगर वहाँ पे सिलेक्ट होते हो तो आपको वहाँ पे जॉब मिलती है, ठीक है। तो ये सारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, मैंने गवर्नमेंट सेक्टर की बात की है। इसमें इसमें PSU भी इसमें मैंने इंक्लूड किया है और साथ में यहाँ पे जो गवर्नमेंट बॉडीज हैं वो भी इंक्लूड किए हैं, ठीक है। सबका पैकेज अच्छा रहता है, ठीक है। ये फ्रिक्वेंटली आपकी जॉब वैकेंसी निकालते रहते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि हर साल निकालेंगे लेकिन हर 2-3 साल में एक बार ये वैकेंसीज निकालते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं तो IOCL है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, उसके बाद दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, उसके बाद पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट जिसको आप PWD के नाम से जानते हैं, उसके बाद CPWD है, ठीक है। BRO हो गया, बॉर्डर का, जो बॉर्डर पे रोड बनती है, हाईवे बनते हैं बॉर्डर पे और आपके ब्रिजेस बनते हैं, टनल बनती है, वो BRO के द्वारा बनाई जाती है, ठीक है। उसके बाद MES हो गया, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस, मिलिट्री के लिए जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं उनको हम MES के द्वारा बनाते हैं, ठीक है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो गई, उसके बाद इंडियन एयरफोर्स, इसके बारे में तो सभी जानते हैं। रेलवेज हो गए, ठीक है, इसमें RRB भी इंक्लूड हो जाएगा। PSU डिपार्टमेंट हो गया, उसके बाद नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन हो गया बेटा, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, NTPC के बारे में भी आप जानते होंगे। NTPC क्या होता है, थर्मल पावर कॉर्पोरेशन होता है, ठीक है, एक तरह से बिजली बनाने का काम करता है, ठीक है। इसमें भी आपको एज ए सिविल इंजीनियर यहाँ पे वैकेंसी निकालता है, ठीक है। जनरली गेट के थ्रू ये लोग क्या करते हैं, आपको रिक्रूट करते हैं। ONGC हो गया, ये सारे PSU है बेटा, ठीक है। DRDO हो गया, ये इसकी सेपरेट वैकेंसीज रहती है, ठीक है। एग्जाम होता है DRDO का, उसके बाद आपको वहाँ पे सिलेक्ट किया जाता है, ठीक है। RITS हो गया, उसके बाद पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स हो गया, ठीक है। तो ये सारे गवर्नमेंट सेक्टर के हैं, PSUs हैं, जिसमें क्या होता है आपकी जॉब निकलती है एज अ सिविल इंजीनियर, ठीक है। इसमें कोई भी पोस्ट हो सकती है, जूनियर इंजीनियर के लिए, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के लिए, असिस्टेंट इंजीनियर के लिए, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। उनके हिसाब से जो भी उनके पास वैकेंसी रहती है उसके हिसाब से आपको वहाँ पे वैकेंसी निकालेंगे और आप वहाँ पे सिलेक्ट होते हो तो वो आपको पोस्ट मिल जाएगी, जॉब मिल जाएगी, ठीक है। पैकेज की बात करें तो पैकेज अच्छा खासा रहता है, स्टार्टिंग पैकेज ही अच्छा खासा रहता है, 55 टू लेके 1 लाख से 1.5 लाख तक यहाँ पे पर मंथ जाता है, ठीक है। इसका पर पैकेज स्टार्टिंग पैकेज है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे टेंशन ले रहे थे कि हमें क्या करना चाहिए, तो बेटा डेफिनेटली आपके पास बहुत यहाँ पे स्कोप, देखिए गवर्नमेंट सेक्टर में आपको बहुत स्कोप है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे, ये सारे जितने भी आप ऑर्गेनाइजेशन इनको नोट कर लीजिए, ठीक है, और जो भी वैकेंसीज वाली वेबसाइट्स हैं उनको आप वहाँ पे सब्सक्राइब कर लीजिए, उनको फॉलो करिए, ठीक है, फ्रिक्वेंटली उनको देखते रहिए, ठीक है।
जैसे आप यहाँ पे देखते हैं कि वैकेंसी आई है, वहाँ पे आप अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। मेक श्योर कि आप वहाँ पे गेट का एग्जाम देते हैं, गेट का एग्जाम आपको क्लियर होना चाहिए, तभी आपको यहाँ पे पीएसयूज में यहाँ पे ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। तो पीएसयूज में आपको अगर पास होना है, सिलेक्ट होना है, तो आपको गेट में अंडर 500 या अंडर 100 तो आपको रैंक चाहिए ही चाहिए, तभी आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं हाई, ठीक है। अगर आप मतलब 1000 रैंक के बाहर है, ठीक है, जैसे सपोज आपके 150 रैंक है, तो फिर वहाँ पे चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आप एमटेक वगैरह कर सकते हो, है ना, एनआईटी से, आईआईटी से, तो वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहता है, ठीक है। लेकिन अगर आपके टॉप रैंक है, तो वहाँ पे आप पीएसयू में सिलेक्ट होने के आपके बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं बेटा प्राइवेट सेक्टर के बारे में। प्राइवेट सेक्टर में हमारे पास क्या क्या स्कोप है? गवर्नमेंट सेक्टर हमने देख लिया, अब प्राइवेट सेक्टर देखते हैं। प्राइवेट सेक्टर में एलएनटी हो गया, आपको पता ही है एलएनटी के बारे में, टाटा प्रोजेक्ट्स हो गए, गैमन इंडिया के बारे में कौन नहीं जानता, ठीक है, गैमन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लिमिटेड, ओमाक्सी, सुपर टेक, सुपर टेक के बारे में सभी जानते हैं, सपोजी एंड पेलोनी जी ग्रुप, जीएमआर ग्रुप, ठीक है। तो ये सारे ओवर इंडिया, ये सारे जो प्राइवेट लार्ज मतलब जाइंट्स हैं प्राइवेट कंस्ट्रक्शन कंपनीज के, उनके मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ठीक है। बहुत सारे स्मॉल कंपनीज भी हैं, लेकिन अगर आपको सिलेक्ट होना है, अच्छा पैकेज चाहिए, स्टार्टिंग पैकेज आपका अच्छा हो, एक्सपीरियंस के साथ आपकी ग्रोथ अच्छी खासी बढ़ती रहे हर साल, ठीक है, तो वहाँ पे आपको जाइंट्स को ही आपको टारगेट रखना है कि अगर मैं प्राइवेट सेक्टर में जा रहा हूँ, तो मुझे जो कंस्ट्रक्शन जाइंट्स हैं उन्हीं पे अपने को यहाँ पे उन्हीं पे उन्हीं के अंडर जॉब करनी है, ठीक है। समझ में आ रहा है? जॉब के लिए बोल रहा हूँ बेटा, अगर आपको खुद का बिजनेस करना है, तो फिर तो इन सब में आप मत पड़िए। आप खुद का कंस्ट्रक्शन करना है, तो आप वहाँ पे आपको एंटरप्रेन्योर बनना है, तो आप वहाँ पे उसके हिसाब से फिर आप प्रिपरेशन करिए, ठीक है। ये सब इसके लिए है जो जॉब करना चाहता है, ठीक है। हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी हो गई, एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड हो गई, ठीक है, गैमन इंडिया लिमिटेड, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, अशोका बिल्डकॉन, ठीक है। तो सारे बहुत बढ़िया कंपनीज हैं जिसमें आपको अच्छा खासा पैकेज मिलता है। बीएल कश्यप एंड सन्स लिमिटेड, कंसोलिडेटेड कंस्ट्रक्शन, है ना, ये सारी यहाँ पे एसआर ग्रुप बहुत बढ़िया ग्रुप है, एयरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, यहाँ पे जेपी ग्रुप, नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी बहुत बढ़िया कंपनी है, बहुत बढ़िया, ठीक है। नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पूजन लॉयड, ठीक है, इसके बाद दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड। तो यहाँ पे मैंने लगभग सारे यहाँ पे जो इंडिया में अच्छी कंपनीज हैं उनको मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ये अच्छा पैकेज देती हैं, एक्सपीरियंस के साथ आपकी ग्रोथ बहुत बढ़िया होगी, ठीक है, एक्सपोनेंशियल आपकी ग्रोथ होगी, यहाँ पे पैकेज आपका बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता जाएगा जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, ठीक है। बात करें स्टार्टिंग पैकेज की, तो आपका स्टार्टिंग पैकेज 30,000 से लेके आपका 50,000 के बीच वेरी करता है। बाद में जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, आपको विद इन 3 ईयर्स आपका पैकेज 1 लाख के पार चला जाएगा, 3 साल के बाद ही आपका 1 लाख के पार चला जाएगा पैकेज। और उसके बाद मतलब पर मंथ का है पैकेज, नहीं पर मंथ की बात हो रही है ना, जो पैकेज बोल रहा हूँ पर मंथ की बात हो रही है ना, तो आप ईयरली आप कैलकुलेट कर लीजिए, 1200 मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका उतना पैकेज हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद आपका 5 ईयर या 10 ईयर के बाद आप वहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजर बन सकते हो, ठीक है, प्रोजेक्ट इंचार्ज बन सकते हो, तो वहाँ पे आपका जो पैकेज होगा और बढ़िया हो जाएगा, 2.5 लाख पर मंथ हो जाएगा, ठीक है। तो बढ़िया है ना, अच्छी जॉब है, क्लियर है, प्राइवेट सेक्टर भी है, बढ़िया है हमारे यहाँ पे, ठीक है। बस यहाँ पे शर्त ये रहती है बेटा कि हमारे पास स्किल होनी चाहिए, जो भी प्राइवेट सेक्टर हमसे चाहता है वो हमारे पास स्किल हमारे पास होनी चाहिए। एक तो पहली बात है आपके नॉलेज होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग के बारे में, दूसरा आपके पास टीम लीडरशिप का होना चाहिए कि भाई मैं जो जितने हमारे अंडर जो इंजीनियर्स होंगे, साइट इंजीनियर होंगे, कंस्ट्रक्शन में जो वर्कर्स होंगे, उनको मैं बिल्कुल हैंडल कर सकूं, उनको डील कर सकूं, उनके साथ अच्छे से काम इफिशियंटली करवा सकूं, ठीक है। तो ये सारी स्किल होनी चाहिए, टीम लीडर, आपके पास नॉलेज, आपके पास स्किल्स होने चाहिए, सॉफ्टवेयर को, सॉफ्टवेयर के स्किल्स होने चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम आती है साइट पर तो उसको आप कैसे डील करते हैं वो आपको आना चाहिए, ठीक है, क्लियर है ना। तो प्राइवेट सेक्टर आपसे यही चाहता है, बस आपके पास स्किल होनी चाहिए। अगर आपके पास स्किल है, आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो भी अच्छी है आपकी, तो फिर आपको यहाँ पे कोई भी सिलेक्शन आपका यहाँ पे रोक नहीं सकता है प्राइवेट सेक्टर में, ठीक है ना, बढ़िया। तो आप इंजॉय करिए बढ़िया प्राइवेट सेक्टर, अगर आपको चाहिए तो बढ़िया, इनकी प्रिपरेशन करिए, स्किल लाइए अपने अंदर, स्किल आ गई तो फिर प्राइवेट सेक्टर आपके लिए पूरा और ओपन है ना। नेक्स्ट, कुछ हमारे इंपॉर्टेंट एग्जाम होते हैं जो कि हमारे सिविल इंजीनियरिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि आपका यूपीएससी हो गया। अब यूपीएससी हमारे सिविल के लिए क्या करवाता है, ईएससी एग्जाम करवाता है ना, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन, ईएससी, है ना। तो ये हर साल होता है, एवरी ईयर ये हमारा एग्जाम कंडक्ट होता है, ठीक है।
और उसमें अच्छे खासे आप एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बन सकते हो, ठीक है। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं जैसे कि बीआरओ हो गया, एमईएस हो गया, सीपीडब्ल्यूडी हो गया, है ना। तो ये सारे डिपार्टमेंट्स में क्या होता है, आपको एग्जीक्यूटिव एज ए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आपको यहाँ पे पोस्ट मिलती है, अच्छे खासे सैलरी रहती है, स्टार्टिंग पैकेज आपका बहुत है, बहुत बढ़िया जॉब होती है। मतलब आप यहाँ पे अगर आप इक्विवेलेंट बात करें तो किसके इक्विवेलेंट हो जाओगे, आप आईएएस वगैरह के इक्विवेलेंट हो जाओगे। बस उसके पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होगी और आपके पास मतलब जो आपके अंडर डिपार्टमेंट होंगे उनके आप हेड रहोगे, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद गेट है, गेट का एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आपका सितंबर में इसकी नोटिफिकेशन आ जाती है और जनवरी फरवरी में इसका एग्जाम होता है, मार्च में ही इसका रिजल्ट आ जाता है, ठीक है। तो बहुत बढ़िया, मतलब इसमें ट्रांसपेरेंसी बहुत अच्छी रहती है, कोई भी यहाँ पे धांधली नहीं होती है, आपको बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं कि अगर आपके पास टैलेंट है तो आपका सिलेक्शन पक्का है, ठीक है। तो गेट में आप यहाँ पे अगर गेट की स्कोर कार्ड आप ले आते हो, इसमें अच्छी रैंक ले आते हो, तो फिर आपका पीएससी तो पूरा ओपन है ही, नहीं है तो आप आईआईटी से या एनआईटी से आप एमटेक करके भी अपने अंदर आपकी हाई हाई एजुकेशन की तरफ जा सकते हो, ठीक है। तो गेट का एग्जाम आप दीजिए, तैयारी करिए, ठीक है। उसके बाद स्टेट पीएससी हो गए, यही हो गए जैसे कि एमपीएससी, यूपीएससी, ठीक है, मध्य प्रदेश का हो गया, यूपी का हो गया, झारखंड का हो गया, महाराष्ट्र का हो गया, पंजाब का हो गया, छत्तीसगढ़, तेलंगाना स्टेट हो गया, और उसके बाद आपका तमिलनाडु हो गया, ठीक है। तो ये सारे स्टेट में स्टेट पीएससी होते हैं जिसमें असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी निकलती है, ये भी अच्छी गजेटेड जॉब होती है, इसके लिए भी आप प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद एसएससी जेई हो गया, सेंट्रल पे आप जो जूनियर इंजीनियर होता है उसके हिसाब से आप जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं बीआरओ एमईएस वगैरह उसमें यहाँ पे वैकेंसी निकलती है। उसके बाद सब इंजीनियर हो गया, व्यापम वगैरह जो भी जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी निकलती है, राजस्थान में, यूपी में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, सब में निकलती है, तो वहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट एग्जाम जो है आप इनको नोट कर लीजिए। आई होप आप वीडियो अच्छा लगा है, अगर वीडियो अच्छा लगा है बेटा तो लाइक कर दीजिए, और अपने जो फ्रेंड्स हैं जो कि नर्वस हो रहे हैं, डिमोटिवेटेड हो रहे हैं, उनके साथ ये वीडियो शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे मोर वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच।